24 घंटे उच्च क्वालिटी की क्रशर सैंड गिट्टी एवं डस्ट के लिए बालाजी स्टोन क्रशर के दिए गए नंबर पर होलसेलर एवं रिटेलर संपर्क करें। बहुत लंबे समय के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, आपने काफी प्रयास किए और आज उन प्रयासों को लेकर एक बैठक हुई। किस तरीके का आज की बैठक हुआ, क्या इसकी भूमिका थी, क्या रुख रही है? दो दिन से चारों आर्किटेक्ट सर्वे कर रहे थे और सर्वे करने के बाद में अब आगे की प्रोसीजर जो है डाइंग डिजाइन किस तरह से होना चाहिए, उस डाइंग डिजाइन के लिए 15 दिन का समय दिया है और भव्य मंदिर बनेगा इतना सभी भक्तों को विश्वास करना चाहिए और दादाजी की मर्जी के बगैर कुछ भी संभव नहीं। दादाजी की मर्जी है कि इसको जब तक हम लोग बैठेंगे नहीं, अरे आज कम से कम बैठना शुरू किया है तो कहीं तो हम आगे बढ़े हैं और पूरा विश्वास है कि इसमें से बहुत अच्छा हल निकलेगा और एक भव्य मंदिर निर्माण की तरफ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद पूरी पूरी। आज की बैठक में चारों पक्ष मौजूद थे, चारों पक्ष को शासन भी मौजूद है। बैठक में हुआ क्या? ये जो दो दिन से जो आर्किटेक्ट लोगों ने सर्वे किया उस पर चर्चा हुई है और इसको अब किस तरीके से उसका मॉडल होना चाहिए, बड़े दादाजी छोटे दादाजी और नर्मदा माई का स्थान, छोटे दादाजी बड़े दादाजी की इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो नर्मदा माई का मंदिर भी किस साइड में होना चाहिए, साइड में होना चाहिए, इस तरह की चर्चा हुई है और एक अच्छा मॉडल बने, मॉडल बनेगा उसके बाद में ही कि कौन सा पत्थर कहाँ क्या यूज होगा उस विषय पर चर्चा हुई है। आगे फिर दोबारा अभी बैठक, हाँ 15 दिन के बाद में एक बैठक होगी और उस बैठक के अंदर बहुत कुछ बात आगे निकल कर आएगी। लगभग सभी के बीच में सामंजस्य बना है और सबकी सहमति है, सबका एक ही उद्देश्य है कि मंदिर बनना चाहिए। जैसा कि जो पुरानी बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि एक टीम बन रही है जिसमें चार आर्किटेक्ट रहेंगे और वो चारों आर्किटेक्ट आज के दिन 27 और 28 में मंदिर का फिजिकली विजिट करेंगे, जो पुराने सारे डिजाइन ड्राइंग बनी हुई हैं उसको देखेंगे और जो बेस्ट डिजाइन होगी जो बहुत लंबे समय तक ड्यूरेबल रहे ताकि भक्तों की जो इससे आस्था जुड़ी हुई उसके साथ न्याय हो सके, तो उसी क्रम में जो अपने चार लोगों की आर्किटेक्ट की टीम थी उसके द्वारा कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक मंदिर को अलग अलग एंगल से देखा गया, सर्वे कराया गया और उस यह बैठक में तय हुआ कि जो सर्वे हुआ है उसके आधार पे अब काफी बिंदुओं पे सहमति बन चुकी है कि दादाजी का बड़े दादाजी का जो समाधि है उसको सेंटर में रखते हुए एक बार उस सर्वे को जो पुरानी डिजाइन पे सुपर इम्पोज करते हुए एक फ्रेश डिजाइन बनेगी, ड्रॉइंग बनेगी, उसका एलिवेशन तय होगा, प्लान तय होगा और इसको करने के लिए कम से कम उन लोगों को 10 से 15 दिन का समय और लगेगा, तो वो सब लोग मिलकर 15 दिन के भीतर उस प्लान ड्रॉइंग एलिवेशन को फाइनल करेंगे और उसके हिसाब से कौन सा मटेरियल क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहेगी, क्या कॉस्टिंग आएगी, वो आगामी 15 दिनों के बाद उसको बैठक में रखे फिर उस पर चर्चा की जाएगी। अब ये देखिए 84 और 68 खंभों की बात नहीं है, जो भी उन्होंने अभी सर्वे किया है उसको जो भी सुपर इम्पोज करके वो फाइनल करेंगे प्लान, उसके आधार पर जो डिजाइन होगी उस पर सभी लोग सहमत हैं। अभी भी नहीं, अभी भी मसला किसी पत्थर को लेकर नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो जिस अभी इस डिजाइन इस जो आज पिछले कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक का सर्वे है उसके आधार पर जो नया प्लान ड्राइंग और एलिवेशन बनेगा वो तय होगा, उसके लिए जो सबसे बेस्ट होगा वो लगाएगा। भाई जब ये बैठक हो रही है तो उसमें सभी पक्ष के लोग हैं और सभी लोग हैं और अब एक ही सभी एक ही आ चुके हैं और ऐसा कोई भी किसी भी चीज को लेकर मतभेद नहीं है। अभी अभी बिल्कुल यही आखिरी में सर्वसम्मति से यही तय किया गया है कि आज कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक जो भी अपने सर्वे और जो हुए हैं उसको हम 10-15 दिन में बैठकर पूरी शीट पे बनाएंगे, 3D ड्राइंग भी बनाएंगे और अलग अलग मटेरियल के साथ उसका करके प्लान करके प्रस्तुत करेंगे। हाँ वो चर्चा में चारों लोग शामिल रहे लेकिन एक्टिवली जो अपने अहमदाबाद के दोनों दो आर्किटेक्ट हैं उनका एक्टिव रोल रहेगा और बाकी दो लोग भी डीसी से जुड़कर वो करेंगे। दादाजी मंदिर को लेकर बैठक हुई थी कलेक्टर, बैठक क्या हुआ?
आज ट्रस्ट की तरफ से, मंदिर निर्माण समिति की तरफ से, पटेल सेवा समिति की तरफ से और शासन की तरफ से जो आर्किटेक्ट आए थे, सभी लोगों की बैठक हुई थी, हम भी शामिल हुए थे बैठक में। दादाजी का जो मंदिर है, उनकी समाधि और छोटे दादाजी की समाधि, दोनों के दिशाओं में थोड़ा सा अंतर है। इन दिशाओं के अंतर के कारण मंदिर समानांतर में नहीं बन पा रहा है। क्योंकि समानांतर में मंदिर नहीं बन रहा है कि एक जैसा सीधा का सीधा इधर की भी समाधि एक जैसी हो, इधर की समाधि एक जैसी हो, तो समानांतर में मंदिर नहीं बनने के कारण जो दोनों आर्किटेक्ट की डिजाइन थी उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट आया है। उसमें इस प्रकार का संशोधन किया जाना है कि दोनों समाधियों के पैरेलल सीधा मंदिर बने। सीधा मंदिर बनाने के लिए डिजाइन पर दोनों आर्किटेक्ट को फिर से बैठना पड़ेगा, क्योंकि दादाजी मंदिर निर्माण समिति के आर्किटेक्ट सोनपुरा जी और ट्रस्ट के जो है त्रिवेदी जी, दोनों अहमदाबाद में रहते हैं। तो उन्होंने दोनों ने यह तय किया कि दोनों एक साथ बैठकर वो जो दोनों समाधियों के बीच में डिफरेंसेस है एंगल को लेकर, उसको लेकर एक सीधी डिजाइन फिर से ड्राफ्ट कर दी जाए। सीधी डिजाइन ड्राफ्ट होगी तो सीधा मंदिर पूरा सामने से आ जाएगा, नहीं तो मंदिर की डिजाइन पूरी बाहर निकल आएगी एक साइड से। इसलिए सीधा ड्राफ्ट करने के लिए उस डिजाइन को फिर से तय करने की बनाने का दोनों आर्किटेक्ट ने प्रस्ताव दिया था, इसलिए उस डिजाइन को फिर से फाइनल किया जा रहा है। इसके लिए 12-13 तारीख को वो दोनों अपनी डिजाइन पर एक डिजाइन बना के देंगे, वो यहाँ पर रखी जाएगी, उस डिजाइन को फाइनल की जाएगी। देन उस डिजाइन पर फिर पत्थर तय होंगे। पत्थर में भी तय हुआ है कि मार्बल बहुत अच्छा होता है, तो एक नंबर मार्बल होता है और एक डेढ़ नंबर मार्बल होता है, और जो बंसीपुर पहाड़ बोल रहे थे ये 12 पत्थर भी होता है। अगर दोनों पिलरों के बीच में ज्यादा स्पान होगा किसी मंदिर के निर्माण में, एक पिलर से दूसरे पिलर का निर्माण स्पान ज्यादा होगा, तो बंसीपुर पहाड़ का पत्थर क्रेक हो जाता है और जो मार्बल होता है उसकी स्ट्रेंथ तेज होती है। तो तय हुआ है कि एक नंबर या डेढ़ नंबर बेस्ट क्वालिटी का मार्बल लगा के जो भी होगा उस मीटिंग में तय करके फिर ये निर्माण की बात फिर से रखी जाएगी। डिजाइन में जो अमेंडमेंट है उसको सुधारने के लिए 15 दिन का समय दिया है। डिजाइन में अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट थोड़ा सा करना है। और डिजाइन दोनों ने एक ही चीज पे सहमत हुए हैं, एक ही बात पे सहमत हो गए हैं कि इस प्रकार का डिजाइन फाइनल करना है, क्योंकि अलाइनमेंट का बाकी रह गया है कुछ इशू। जो समाधियों का अलाइनमेंट है उसका इशू बाकी है, इसके कारण उसको फिर से रिवाइज करना है। राकेश स्थापक, दादाजी मंदिर निर्माण संकल्प समिति की तरफ से मैं उनका वक्त हूँ। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री।